नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मई, दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी खजाने पर गरीबों के अधिकार को लेकर मुकेश सहनी ने कही ये बात। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर बोला हमला। एक बार फिर से भैंस के नाम पर गरमाई बिहार की राजनीति। नरेंद्र मोदी के 91 बार गाली वाले बयान पर बरसे उद्धव ठाकरे। शरद पवार ने की एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। चंद्रवंशी सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी नेताओं ने नीतीश पर जमकर बोला हमला। आनंद मोहन के रिहाई को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। अब इसी बीच बीजेपी के कई नेता पटना में आयोजित चंद्रवंशी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के जाने माने नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को लेकर कहा कि डीएमजी कृष्णैया की हत्या मामले में आरोपी को रिहा कर दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जो लोग जातिगत लाभ देख रहे हैं उनको बता दें कि योगी से बड़ा नेता कोई नहीं है। हमारे पास समाज से कई बड़े नेता हैं। सरकारी खजाने पर गरीबों के अधिकार को लेकर मुकेश सहनी ने कही ये बात। भोजपुर के बरहरा थाना क्षेत्र बुबड़ा गांव में कुछ दिनों पहले ही आग लगने की घटना से कई घर जल गए थे। मुकेश सहनी इसी घटना के बाद लोगों से मिलने यहां पहुंचे थे। इस दौरान मुकेश सहनी ने इन पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी करवाया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को इस बात का भरोसा भी दिलाया कि उनकी पार्टी ऐसे मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी है। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने पर गरीबों का पहला अधिकार होना चाहिए। वहीं सरकार द्वारा राहत के नाम पर 9,000 रुपए दिए जाने वाले बात पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहां सैकड़ों लोगों के आशियाने उजर गए और राहत के नाम पर मात्र 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 9,000 रुपयों में क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के होसपेट में अपनी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दरअसल उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा है कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य। देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। सपा राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर कसा तंज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि विकास कराना तो दूर, इनकी कलम से इतनी स्याही भी नहीं है कि ये विकास को लिख सके। बता दें कि मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर मोहल्ला नालापार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहाँ उन्होंने ये सब कहा। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, इसके साजिश रची गई है। वहीं उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल पर लगे सील वाले मामले पर कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिस स्कूल में 1600 बच्चे पढ़ते हो उसे बंद करा दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के वजह से ही बनारस और अलीगढ़ की पहचान है। एक बार फिर से भैंस के नाम पर गरमाई बिहार की राजनीति। जब लालू यादव सत्ता में बने हुए थे, तब वे अपनी सभा में अक्सर लोगों को लुभाने के लिए भैंस की सवारी करने और भैंस का दूध दुहने की बात करते थे। जब वर्ष 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो अक्सर राजनीतिक गलियारों में यह खबर सुनने को मिलती कि लालू यादव की भैंस पीछे हो गई। लेकिन नीतीश कुमार और राजद के साथ आने के बाद भैंस की राजनीति एक बार फिर से लोगों के बीच चर्चा में आ गई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहा गया है कि भैंस डूब चुकी है, उस पर नीतीश सवारी कर रहे हैं, तो अब तो वह भी डूब जाएंगे। अब भैंस का नाम राजनीति में एक बार फिर से आने के बाद आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपनी नाव ही पानी में डुबा ली हो वो पहले अपनी चिंता करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस नाव पर सवारी कर रहे हैं उस नाव का डूबना तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार की 12 करोड़ जनता है और जनता ही उनकी पतवार है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी पर किया पलटवार। बीते दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत दी थी। अब मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने प्रियंका गांधी के इसी बयान पर पलटवार किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से सीख लेने के लिए हमें अमेठी से चुनाव हारना पड़ेगा। पीएम वाराणसी चुनाव हारे क्या, न हमें राहुल से सीखने का समय है, न उन्हें सिखाने का समय है। वहीं प्रियंका गांधी के बयान, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी को दी जाने वाली गालियों और अपने परिवार को दी गई गालियों की तुलना की थी और कहा था कि हम अपने परिवार पर दिए गए गालियों की लिस्ट
तैयार करे तो एक के बाद कई किताबें प्रकाशित होंगी। उनके इस बयान पर भी बिस्वा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को जरूर किताब लिखनी चाहिए और ये जरूर लिखना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी लगाई थी, कैसे अपने नेताओं को मारा। बता दें कि हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीली सांप वाली टिप्पणी पर भी पलटवार किया है। इस टिप्पणी पर उन्होंने कहा है कि भारत में सांप की पूजा की जाती है और ये सांप कांग्रेस को ही काटेगा। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास सौंदर्यकरण मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे भाजपा नेता। भाजपा सांसद सड़कों पर उतरकर दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण वाले मुद्दे को लेकर घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बता दें कि जो नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उनके तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासनिक नियमों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने बंगले की साज सज्जा और सौंदर्यीकरण पर 15 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री ने नियमों को ताक पर रखकर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा। सुशील मोदी ने जेल मैनुअल को लेकर नीतीश पर खड़े किए सवाल। आनंद मोहन के जेल से रिहाई का रास्ता जेल मैनुअल में बदलाव करने से ही हो गया था। यह बदलाव नीतीश सरकार द्वारा किया गया था। जब से यह मामला सामने आया तब से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं अब एक बार फिर से जेल के नियमों में बदलाव को लेकर सुशील मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आए। दरअसल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह मॉडल जेल मैनुअल 2016 में ही जारी कर दिया गया था। फिर सीएम नीतीश पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार यह बताएं कि अब तक बिहार ये लागू क्यों नहीं किया गया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि असल बात तो ये है कि जब नीतीश कुमार को खूंखार अपराधियों की रिहाई का विचार आया तब जाकर उन्होंने केंद्र के मॉडल जेल मैनुअल को बिहार में लागू करने का मन बनाया। अब इसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 91 बार गाली वाले बयान पर बरसे उद्धव ठाकरे। नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया बयान में यह दावा किया था कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गालियां दी है। अब इस बयान पर कर्नाटक चुनाव में एक रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास गालियां गिनने का समय है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग मुझे और आदित्य को रोज गालियां दे रहे हैं। वे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पीएम उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे द्वारा यह भी कहा गया है कि उनकी अपमानजनक भाषा उनकी संस्कृति को दर्शाती है। मैं आरएसएस से पूछ रहा हूं कि क्या आप ऐसी संतान यानी भाजपा को स्वीकार करेंगे। राजद नेता द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता हुए हमलावर। ब्राह्मणों को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश प्रसाद यादव द्वारा विवादित बयान दिया गया था। अब इस मामले को लेकर बीजेपी भी हमलावर होती नजर आ रही है। दरअसल नीरज कुमार बबलू जो कि बीजेपी नेता हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं में आपस में कॉम्पिटिशन है कि सबसे ज्यादा विवादित बयान देकर आलाकमान को कौन खुश रख सकता है। इस तरह के बयान देने वाले एक मानसिक रोगी ही होंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वे यहीं के स्थायी निवासी हैं। ब्राह्मण तो दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं और यह बोलते हैं कि बाहर से आ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन के नेताओं को ही बाहर भेजना होगा। शरद पवार ने की एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा। एनसीपी पार्टी के प्रमुख शरद पवार द्वारा अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। इस घोषणा के साथ ही पवार ने यह भी कहा है कि उन्होंने लंबे समय से पार्टी का नेतृत्व किया है, इसलिए अब समय आ गया है कि पार्टी नए नेतृत्व विचार करे। अब इस घोषणा के बाद प्रफुल्ल पटेल जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि जनता के हित में आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस घोषणा के बाद नारेबाजी शुरू कर दी है और उन्होंने भी आग्रह किया है कि पवार अपना निर्णय बदलने पर विचार करें। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में तैयार हुई तेज प्रताप की सेना। 13 मई से 17 मई तक पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसे लेकर राजनीतिक बहसबाजी छिड़ी हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही राजद उनके विरोध में लगी हुई है। अब इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट देखने को मिला है, जहां उन्होंने कहा है कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तेज प्रताप के इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उनके इस ट्वीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि यह ट्वीट धीरेन्द्र शास्त्री के ही विरोध में है। इस ट्वीट के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जहां तेज प्रताप युवाओं को ट्रेनिंग देते दिख रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीर के साथ #DSS शब्द का प्रयोग किया गया है। मालूम हो कि DSS के नाम से तेज प्रताप एक संगठन भी चलाते हैं। ईडी के चार्जशीट में आए अपने नाम को लेकर राघव चड्ढा ने कही ये बात।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का नाम भी अब दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी के दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सामने आया। ईडी के इस चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने बताया है कि सिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे। इस बैठक में विजय नायर के अलावा पंजाब सरकार SCS वित्त आबकारी आयुक्त वरुण रुजम FCT और पंजाब आबकारी के अफसर भी मौजूद थे। बता दें कि मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम इस मामले में पहले भी सामने आया था। अब इस मामले को लेकर राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ईडी के चार्जशीट में मुझे आरोपी या फिर संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। उस चार्जशीट में एक ऐसा कहा गया है कि मैं किसी बैठक में शामिल था। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बैठक में शामिल होने या किसी भी तरह से कथित अपराध के होने शामिल होने का खंडन करता हूं। साथ ही उन्होंने मीडिया से यह भी अनुरोध किया कि किसी प्रकार की गलत रिपोर्टिंग ना करें। सम्राट चौधरी ने गजनी फिल्म के हीरो से नीतीश कुमार की तुलना। अक्सर नीतीश कुमार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमलावर रहते नजर आते हैं। अब एक बार फिर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि वे आमिर खान की फिल्म वाली गजनी बन गए हैं। उनके शरीर में जॉर्ज साहब की आत्मा घुस गई है। बता दें कि सम्राट चौधरी इन बातों को चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि गजनी फिल्म में हीरो का मेमोरी लॉस हो जाता था। हीरो यानी फिल्म में अभिनेता आमिर खान बीच बीच में भूल जाते थे कि हमको कुछ काम भी करना है। यदि सामने कोई विरोधी भी आ जाए तो उनको याद नहीं रहता था कि ये विरोधी हैं। आजकल यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री का है। वे मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो गए हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने विरोधी पार्टियों पर साधा निशाना। 4 मई को उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान किया जाना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में पक्ष विपक्ष वोट के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी चाह रहे कि वोटर्स उनके पक्ष में आ जाए। अब इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा है और कहा है कि यूपी निकाय चुनावों के तहत 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव हेतु हालांकि विरोधी पार्टियों ने साम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों का लगातार इस्तेमाल किया है, लेकिन लोगों को वोट के अपने बहुमूल्य संवैधानिक हक व दायित्व के प्रति वफादार व ईमानदार रहकर ही वोट डालना है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, विपुल कुमार, अरुण कुमार और पवन सिंह। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।